हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मिठाई। यकीन मानिए, ये मिठाई सर्दी में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और आप चाहें तो इसको महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 किलो मैदा और उसमें ऐड किया है 2 चम्मच नमक और साथ में लिया है मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल। अब इसको अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। जब तक अच्छी तरह से मिल नहीं जाते तब तक उसमें पानी ऐड मत कीजिएगा। जब आपको लगे कि अच्छी तरह से मिल चुका है उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी का मात्रा भी लिमिट में रखना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा नरम हो जाएंगे तो बन नहीं पाएंगे, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। पानी बिल्कुल नॉर्मल थोड़ा थोड़ा करके घुमाते रहिए और पानी डालते रहिए और इसी तरह से इसको गूंथ लीजिए। और जब पूरी तरह से ये गूंज जाए इसको आधा घंटे के लिए ढक के रख दीजिए। अब जैसे कि हम घर में रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही रोटी की तरह इसको बेल लेना है। ज्यादा पतला नहीं, ज्यादा मोटा नहीं, मीडियम रखना है। अब इसी तरह से हमें इसको कटिंग कर लेना है। इस प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि आसानी से आप घर पे बना सके। एक एक करके सारे कटी हुई पीसेस को हमें अलग कर लेना है क्योंकि मैदा जो है एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। अलग करने के बाद हम कढ़ाई में डालेंगे तेल और जब तेल गर्म होगा उसके ऊपर हम छोड़ेंगे कटी हुई सारे पीसेस। तेल हमारा गर्म है, अब हम सारे कटे हुए पीसेस को इसके अंदर छोड़ेंगे। जब तेल एक बार गर्म हो जाए उसके बाद गैस की फ्लेम जो है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा क्योंकि धीमी आंच में अगर पकाएंगे तो अंदर तक पकेगा। और ध्यान रखिएगा, आपको हिलाते रहना है बारी बारी में ताकि जितने भी पीसेस आपने डाले हैं सब अच्छी तरह से पक जाएं। जब एक बार आपको लगे इसका कलर लाल टाइप में हो गया है तो आप इसको आप उतार दीजिए। और इसी तरह से बारी बारी करके हमने सारे जो पीसेस कर रखे थे सबको हम फ्राई कर लेंगे। मैंने एक बड़ा सा परात लिया है और परात के ऊपर डाला है पानी। पानी कम से कम आधा लीटर होना चाहिए और इसमें आप ऐड कर सकते हैं 250 ग्राम चीनी या 300 ग्राम भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। चीनी को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट पका लीजिए जब तक कि चीनी और पानी का जो मिक्स है वो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा नहीं हो जाते। जब आपको लगे कि हाँ बिल्कुल गाढ़ा हो चुकी है तो जितने भी अपने फ्राई करके रखे थे सब आप उसमें हमें ऐड करना है। ये देखिए, हमारा चीनी का जो कलर था वो बिल्कुल लाल लाल टाइप में होने लगा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सारे जितने भी हमने फ्राई कर रखे थे और जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे हम गैस को कर देंगे बंद। ध्यान रखिएगा, ऐड करते ही गैस को बंद कर देना है क्योंकि जो चाशनी हमने बनाई है चीनी का उसको सुखाना है और सुखाने के लिए हमें गैस बंद करना बहुत ही ज़रूरी है। और गैस बंद करने के बाद इसको आप हिलाते रहिए। याद रखिएगा, हिलाना बिल्कुल मत छोड़िएगा, आपको हिलाते रहना है क्योंकि धीरे धीरे इसको सुखाना है। 10 से 15 मिनट अब जब आप हिलाएंगे तो चीनी बिल्कुल सूख चुका होगा। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा जो चीनी था वो सबको ऊपर लग चुका है। तो लो जी, आपकी मिठाई बिल्कुल तैयार है। आई होप ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आया होगा क्योंकि मैंने इस रेसिपी को बिल्कुल सिंपल रखा है ताकि आप घर पे बिल्कुल आसानी से बना पाए।
चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूँगा एक नया रेसिपी के साथ। अब बारी है इसको टेस्ट करने का, क्योंकि जब तक मैं टेस्ट नहीं करता तब तक मुझे खुद ही यकीन नहीं आता कि कैसा बना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको टेस्ट करता हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका स्वाद, एक इन मनी एकदम क्रांची क्रांची। तो प्लीज़ एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, और चाहे तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मैंने इसको स्टोर कर दिया है पूरे 10 से 15 दिन, महीना, जितने दिन आपको रखना है आराम से रख दीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और परिवार के साथ चाय के साथ नाश्ते में जब भी आपको मन करे इसमें से निकालिए और खाइए। आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया रेसिपी के साथ।